दोस्तों वो वक्त आ गया है जिसका आप सबको इंतजार था। यो व्हाट्सअप गाइस, आई एम योर फ्रेंड जय दलाल। जो आज मैंने देखी है सर्कस। वेल, सर्कस रोहित शेट्टी की नेक्स्ट मूवी है। और मजे की बात यह है कि जब इसका ट्रेलर आया था तो सारी जनता के मन में एक ही बात आई थी कि सर ये तो टट्टी है। वेल, बहुत घटिया ट्रेलर था, एकदम वाहियात। लेकिन बात आ जाती है कि क्या मूवी भी उतनी वाहियात है या मूवी में कुछ ऐसा एलिमेंट है जिसके बाद मूवी देखने लायक बन जाती है। खैर, सबके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले लेट्स हैव एन इंट्रो। ओके, तो भाई सबसे पहले बात करते हैं सर्कस मूवी की कहानी के बारे में। देखो, अगर आपने इस मूवी का ट्रेलर देखा है तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस मूवी के अंदर टू पेयर्स ऑफ जुड़वा है, यानी कि एक वरुण शर्मा, उनके भी दो रोल है, डबल रोल है, वो भी जुड़वा प्ले कर रहे हैं, और रणवीर सिंह, वो भी जुड़वा प्ले कर रहे हैं। पर और इसी के बीच में उनका जो भी केओस मचता है, इसके ऊपर मूवी है। ये तो आपने ट्रेलर में देख लिया, लेकिन अगर मैं आपको मेन स्टोरी बताऊं, खैर ऐसा मत सोचना कि मैं आपको स्पॉइलर दे रहा हूं, क्योंकि इस मूवी में स्पॉइलर जैसा कुछ है नहीं। ठीक है, जो मैं आपको बताने वाला हूं वो इस मूवी के स्टार्टिंग के 5 से 10 मिनट में ही बता दिया जाता है। इसलिए डोंट वरी, अगर आप ये मूवी देखने का प्लान कर रहे हो, अपार्ट फ्रॉम इसके घटिया ट्रेलर के बाद भी और इसके बुरे रिव्यूज़ के बाद भी, तब भी आपके लिए मूवी स्पॉइल नहीं होगी। तो चलो मूवी की स्टोरी के बारे में सीधा सीधा बात करते हैं। खैर, एक डॉक्टर होता है और उस डॉक्टर का ये सोचना, ये नज़रिया होता है कि अपना कहलाने के लिए खून का रिश्ता होना ज़रूरी नहीं है, परवरिश से भी हम बच्चों को इस तरह बड़ा कर सकते हैं कि वो हमारे खून के रिश्ते से भी बढ़कर निकले। इस ही एक बात को साबित करने के लिए ये पूरी 2.5 घंटे की मूवी आपको देखनी पड़ेगी। पड़ेगी मैंने इसलिए बोला क्योंकि बहुत सारे लोग इस मूवी से दूर भागना चाहते हैं, ट्रेलर की वजह से नहीं बल्कि इस मूवी की स्लो पेस की वजह से। देखो, जितनी कहानी मैंने आपको बताई, कहानी तो इतनी है, लेकिन अगर मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं तो ये कहानी का प्लॉट शुरू में शुरू होता है और एंड में। बीच का पूरा हिस्सा इस कहानी के दूर दूर तक नहीं होता, क्योंकि उस जगह पर इन्होंने कॉमेडी डालने की कोशिश करी है। और ऑब्वियस सी बात है, अगर शुरुआत और एंड को मिला देते तो मूवी नहीं है, फिर शॉर्ट फिल्म बन जाती जो कि 15 मिनट में ख़त्म हो सकती थी। लेकिन कैसे करेंगे 15 मिनट में ख़त्म, मूवी तो बनानी है। अब सबसे बड़ी बात, ये मूवी कॉमेडी है, कहीं मूवी हंसाती है तो पहले अगर मैं इस मूवी का रिव्यू बनाता तो यही कहता कि नहीं, बिल्कुल नहीं हंसाती, घटिया मूवी है, बिल्कुल मत देखने जाओ। लेकिन अब जबकि मैंने इस मूवी को हॉल पे देख के आया हूँ ना, तो मेरे मन में एक ख्याल आया कि यार थोड़ा सा ओपिनियन को चेंज किया जाए। क्यों? क्योंकि मैं जहाँ बैठा था, मेरे एक साइड में एक ऐसा इंसान बैठा था जिसको मूवी फ्रस्ट्रेटेड लग रही थी, जो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, जिसको बार बार उबासी आ रही थी और वो कहता यार जल्दी ख़त्म होना। और वहीं पे दूसरी तरफ जो आदमी बैठा था वो कह रहा था यार बढ़िया है, मज़ा तो आ रहा है मूवी में, और वो हंस भी रहा था, मतलब वो इंजॉय कर रहा था मूवी को। खैर, एक ही थिएटर में एक ही मूवी देखते हुए दो लोगों के अलग अलग ओपिनियन हैं, और मज़े की बात यह है कि दोनों ओपिनियन एक दूसरे से कहीं भी मैच नहीं करते। अगर आसपास के ओपिनियन होते तो हम फिर भी सोच लेते, लेकिन दोनों के एकदम ऑपोजिट ओपिनियन थे। और मूवी जब एंड हुई तो आप बिलीव नहीं करोगे, सर्कस मूवी के लिए ऑडियंस ने ताली बजाई। अब आप सोच रहे होगे ये मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने तो जिससे भी सर्कस मूवी का रिव्यू सुना है उसने तो इसके लिए गालियाँ बकी हैं और मैं कह रहा हूँ कि तालियाँ बजी हैं। तो हाँ, बिलीव मी, लोग तालियाँ बजा रहे थे। और उस मूवमेंट को देख के मेरे को एक बात रियलाइज हुई कि है ना, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि कॉमेडी इज सब्जेक्टिव, वो वाली चीज़ यहाँ पर बहुत अच्छी तरह इम्प्लीमेंट हो जाती है। कॉमेडी इज सब्जेक्टिव, मतलब अगर मैंने एक जोक मारा तो ज़रूरी नहीं है उस जोक पे पूरी दुनिया हंसे, या ये भी ज़रूरी नहीं है वो जोक सड़ा हुआ है तो कोई भी ना हंसे। हर जोक की एक ऑडियंस होती है, कुछ लोग उसको एज अ ऑफेंस भी ले जाते हैं, कुछ लोग उसको एज अ थ्रिलिंग जॉय भी ले जाते हैं, इंजॉयबल मोमेंट लेके जाते हैं। हर तरह की ऑडियंस है और हर तरह के जोक हर तरह की ऑडियंस को ढूंढ ही लेते हैं। ये मूवी भी उसी तरह की है। मूवी में जिस टाइप के जोक्स मारे हैं ना, वो आपको लेट 90s 80s की मूवीज़ के अंदर देखने को मिलते हैं, और कभी कभार तो उनसे भी वाहियात जोक्स है। खैर, अब अगर मैं शॉर्ट और सिंपल वे में ये बताऊं कि ये मूवी किन लोगों के देखने लायक है, तो भाई और बहनों, अगर आप ये सोच के जा रहे हो कि रोहित शेट्टी की मूवी है और जैसा वो धमाल हमें गोलमाल में देते हैं और सिंघम
सीरीज में देखे हैं वैसे ही इसमें कुछ देखने को मिलने वाला है, तो आई एम रियली सॉरी, आप डिसअपॉइंट हो जाओगे। अगर आप ये सोचने जा रहे हो कि इस साल बहुत बढ़िया वाली कॉमेडी मूवी रिलीज हुई है, तो भी आप डिसअपॉइंट हो सकते हो। यहाँ पर मैं 50-50 बोलूंगा, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, किसी ऑडियंस को इसके जोक्स पसंद आए, किसी ऑडियंस के इसके जोक्स बिल्कुल पसंद नहीं आए। जिनको पसंद आए उन्होंने तालियां मारी, जिनको पसंद नहीं आए उन्होंने गालियां बकी हैं। अब आप कौन सी ऑडियंस होगे वो आप खुद डिसाइड करो। इन शॉर्ट, मूवी ठीक ठाक है। मूवी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसकी कॉमेडी नहीं, इसका ड्रामा है। क्योंकि जब जब ड्रामा आता है ये लोग उस सीक्वेंस को इतना लंबा खींच देते हैं कि भाई साहब हमारा मन कर जाता, काश फास्ट फॉरवर्ड का बटन होता तो मैं जल्दी आगे बढ़ा देता। मूवी बेटर हो सकती थी अगर इस मूवी को 2.5 की जगह 1.5 घंटे का बनाया जाता और ओल्ड जोक्स के साथ साथ थोड़े बहुत न्यू जोक्स भी डाले जाते जिससे हमें हंसी आए। खैर, ये था मेरा रिव्यू सर्कस मूवी के बारे में। अगर आप अब भी समझ नहीं पाए कि आपको इस मूवी को देखना है या नहीं देखना, सिंपल एंड शॉर्ट आंसर मेरा ये है कि अपने मम्मी पापाओं के साथ कोई पुरानी वाली कॉमेडी मूवी देखो 80s 90s के ज़माने की, और उन अपने आप को और उनको ऑब्जर्व करो। अगर वो हंस रहे हैं और आप हंस रहे हो, दोनों हंस रहे हो, तो शायद इस मूवी को आप इंजॉय कर पाओ। अगर बस वो हंस रहे हैं, आप बिल्कुल नहीं हंस रहे, तो भूल के भी मत जाना इस मूवी को देखने के लिए। चलो आज के लिए बस इतना ही था, मिलेंगे आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।